Very, very good morning to all my dear students. Hope everyone is fine. Today in the maths, we are going to start a new lesson. That is your lesson number eleven. Jacques and marks. All of you, open your textbooks on page number one hundred and fifty-three. Write today's date and classwork. Twenty-two. जीरो to ट्वेंटी ट्वेंटी वन jugs and वर्क Now dear children, this lesson deals with measuring the um, liquid things that we measure, which is called as the capacity of a container. That means कंटेनर दैट मीन्स कोई भी लिक्विड चीज़ होती है जैसे दूध है चाय है पानी है जूस है ऑयल है कोई भी चीज़ ऐसी लिक्विड होती है जिसको हमको मेजर करना होता है उसके लिए अलग मेजरमेंट्स होते हैं और उन मेजरमेंट्स को <coughs> हम या लीटर या मिलीलीटर में या सेंटीलीटर लीटर लीटर इस तरीके से उसको डिफ़ाइन करते हैं लेकिन जो मेन यूनिट्स होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं आई इस मिलीलीटर और इस द लीटर हम ये दो यूनिट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे कि वी बाई मिल्क भी से वन लीटर मिल्क 500 हंड्रेड एम एल मिल्क टू हंड्रेड एम एल मिल्क सो द एम एल इज द मिली लीटर शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिली लीटर इज़ एम एल और लीटर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एल होता है तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं उनको हम जो है लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं सो विच इज कॉल्ड एज द व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी? बिकॉज द कंटेनर इन विच और द वेसल इन विच यू आर कीपिंग दोज लिक्विड थिंग्स हाउ मच दैट वेसल कैन होल्ड दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल मतलब जो वेसल है या कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड हम मेसर कर रहे हैं या है उसके अंदर तो कितना लिक्विड उसके अंदर आ सकता है दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटी एंड द लिक्विड्स इन लिक्विड्स नाउ वी एस अ स्मॉल स्टोरी वेडिंग इन बनीज फैमिली नाउ यू कैन सी दैट देर आर सो मेनी एनिमल्स आर देयर इन एन दीज एनिमल्स आर Uh, invited in Bunny's wedding. So let us see what these animals are doing here. This camel is there, the monkey is there, everybody, so many animals are there. Now we will read. There is a wedding in Bunny's family that is, family of rabbits. Many guests are invited deer, monkey, elephant, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, etc a special drink is served to all the guests one glass each everyone finds the drink very tasty but some small cats guests, guests like cat and mice cannot finish a full glass but dog is able to finish his class. Now ते सब wedding in bunny means rabbit के family में शादी है और jungle के जितने भी animals हैं सबको invite किया गया है wedding में तो हाँ special drink serve किया गया है। हर एक glass, one glass to each of the guest, that means एक glass एक guest को serve किया जाता है। लेकिन drink is so tasty that some animals finish it and they want the other glass, while the smaller animals like mice है, cat है ये जो है one glass भी finish नहीं कर पाते हैं। डॉग जैसे एनिमल्स हैं जो वन क्लास पे फिनिश कर लेते हैं सो यू कैन सी नेक्स्ट पेज। बट अदर्स लाइक लायन, डॉग फॉक्स एक्सेट्राइक्रिंक आस्क फॉर मोर देन वन क्लासेस लेकिन ऐसे बड़े एनिमल्स होते हैं लायन, डॉग है फॉक्सेस है ये सारे कैमल्स है ये सारे वन क्लास से ज्यादा का डिमांड करते हैं नाउ द ट्रपल बिगिनस मतलब कि अब जो है मुसीबत शुरू हो गई क्योंकि कुछ एनिमल्स कम पीते हैं लेकिन कुछ को ज्यादा चाहिए देयर आर समिग गेस्ट हु आर सो गल्पिंग हु गो ऑन गल्पिंग डाउन द गज आफ्टर ग्लासेस मतलब बहुत से जो बड़े एनिमल्स हैं वो एक के बाद एक बहुत सारे ग्लासेस जो है वो ऐसे ड्रिंक पी गए बनी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रैंक हाउ मच हेल्प हिम टू फिल द टेबल हैव फन अब जो बनी है वो सोच रहा है कि कौन सा एनिमल कितना ड्रिंक पी सकता है जैसे लेस देन ए ग्लास कैट है रैट है स्पैरो है फिर बिटवीन वन टू फाइव ग्लास डॉग है मंकी है फाइव टू टेन ग्लास डियर कैमल एंड देन मोर देन टेन ग्लासेस एलिफेंट है जिराफ है इवन कैमल कैन आल्सो ड्रिंक मोर देन टेन ग्लासेस तो इस तरीके से उसको वो गेस कर रहा है कि कौन सा एनिमल कितना ड्रिंक कर सकता है बड़े एलिफेंट्स हैं लायन है टाइगर है एलिफेंट है जिराफ है कैमल है ये सारे जो है टेन ग्लासेस से ज़्यादा पी सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज वॉटर इन वॉटर आउट मतलब जो पानी हम पीते हैं उसमें से कितना पानी हमारे बॉडी के अंदर होता है और कितना पानी बॉडी में से बाहर निकल जाता है सो फर्स्ट वील सी आई ट्रैंक सो मच वॉटर इन अ डे डैट ऑल ऑफ इट बट ऑल ऑफ इट डज नाट गो आउट Of me, where does it go? मतलब बहुत सारा पानी हम पीते हैं तो कुछ पानी हमारे बॉडी के अंदर रिटेन हो जाता है और बाकी सारा जो एक्स्ट्रा वॉटर होता है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है दैट इज़ रिमूवड फ्रॉम अवर बॉडी नाव हैव यू एवर थाट ऑफ लाइक लड्डू आपने कभी ऐसा सोचा है अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे आप एक दिन में कितने ग्लासेस के पानी पीते हैं समर में एट टू टेन ग्लासेस एंड इन विंटर फाइव टू सिक्स ग्लासेस आई थिंक फाइव टू सिक्स ग्लासेस भी ज़्यादा हो जाते हैं वो उतना भी नहीं पीते लेकिन अप्रॉक्सीमेटली फाइव ग्लासेस ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक इन द विंटर ऑल्सो नाउ कैन यू गेस हाउ मच ऑफ वाटर गोस आउट ऑफ योर बॉडी येस नियरली हाफ ऑफ द वाटर गोस आउट ऑफ अवर बॉडी जितना भी हम पानी पीते हैं उसका आधा पानी जो है समर्स में पानी निकल जाता है और विंटर में मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर गोज आउट ऑफ द बॉडी क्योंकि विंटर में बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है हमको प्यास भी कम लगती है पसीना भी नहीं आता है और समर्स में क्या होता है पसीना भी आता है प्यास भी बहुत लगती है इसलिए हमारे बॉडी को ज़्यादा पानी की जरूरत भी होती है और जो पानी जो ड्रेन आउट होता है बॉडी में से वो भी ज़्यादा होता है इज योर

एक टू हंड्रेड एम की बॉटल लीजिए और वो नल से पानी भरिए उस बॉटल के अंदर और देखिए कि आप जो बकेट ले रहे हैं उसमें कितनी बार आपने ये टू हंड्रेड एम बॉटल जो है पानी डाला फिर देन यू कैन टेक वन लीटर बॉटल एंड देन अगेन डू द सेम फिल दैट वन लीटर बॉटल एंड पोर इट इन द बकेट टिल द बकेट गेट्स फुल वन लीटर के बॉटल से हाउ मेनी टाइम्स यू हैव पोर वन लीटर बॉटल इन द बकेट सो वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट ऑल्सो वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू यूज वन लीटर बॉटल एंड हाउ मेनी टाइम्स यू to pour 200 ml of bottle this you can do it very easily it's fun doing it and now the summers are in you can play with water also get a 1 liter bottle it can be empty bottle of water oil etc any 1 liter bottle you take now collect some bottles and a mug jug glass bowl etc at your house use the 1 liter bottle to check which of these holds more than 1 liter and which of इस होल्स लेस देन वन लीटर मेक अ स्मॉल ड्राइंग आउट इफ यू लाइक नाउ अब यहाँ पे जैसे दिखाया है कि बहुत सारे बर्तन लिए हुए हैं तो आप एक लीटर की एक बॉटल लीजिए घर में कोई भी एक लीटर की एक बॉटल हो वो लीजिए उसके बाद आप पैन ले सकते हैं कोई पॉट ले सकते हैं जग ले सकते हैं बाउल ले सकते हैं और उसके अंदर एक लीटर के बॉटल भरिए और उसके बाद वो पानी उस उन तो जितने भी वेसल्स आपने कलेक्ट किए हैं अलग अलग साइज के उसके अंदर आप वो पानी डालिए और उस पानी को डालने के बाद जस्ट सी दैट हाउ मच वाटर इज दैट वेसल कंटेन्स मतलब उस बर्तन में कितना पानी आता है वन लीटर कंप्लीट वाटर इट टेक्स और लेस इट टेक्स और देर सम स्पेस स्टिल लेफ्ट दैट इट कैन हैव मोर वाटर तो कितना पानी उस वेसल के अंदर आता है दैट यू मोर लीटर में आप देख सकते हैं जैसे कि बिग कुकिंग पॉट हो गया प्रेशर कुकर हो गया बकेट हो गया ऑयल कैन है फ्राइंग पैन है इस सारी चीजों के अंदर जो है पानी मोर देन वन लीटर आएगा सो दिस यू कैन डू नाउ ये जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया इसे बकेट वन टू थ्री बकेट्स लीजिए और बॉटल जो है एवरी टाइम यू चेंज द साइज ऑफ द बॉटल एंड सी हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू फिल द बॉटल टू कम्प्लीट द टू कंप्लीटली फिल द बकेट ये आप कर सकते हैं नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज विच इज योर मैचिंग नाव हियर यू कैन सी मैच द राइट पार्ट्स नाव अबाउट ट्वेल्व लीटर्स लेस देन वन हाफ लीटर

आई ड्रॉप्स बॉटल जो छोटी छोटी आई ड्रॉप्स की बॉटल्स होती हैं और ये एक वाटर सुराही है मतलब कि एक वाटर भरने का पॉट है जैसे कि हमारा मटका होता है वैसे ही ये सुराही भी पानी भरने के लिए ही होती है तो अब हम इसमें मैच करना है कि कितना पानी किसके अंदर आएगा सबसे पहले हम ट्वेल्व लीटर देखें तो ट्वेल्व लीटर जो है बकेट के अंदर आएगा लेस देन लीटर लेस देन अ लीटर मतलब ये आई ड्रॉप्स के अंदर आएगा अबाउट फाइव लीटर्स इट कैन कंटेन इन दिस सुराही देन वन थाउजेंड लीटर्स इट विल गो इन दिस वाटर टैंक जो वाटर टैंक है इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद जो है लेस देन हाफ लीटर एक्जैक्टली हाफ लीटर विल बी मेजर बाई दिस ये जो है वो मेजरिंग है मिल्क मेजर करने के लिए एक मेजरिंग यूनिट आता है कंटेनर आता है ये फाइव हंड्रेड एम एल का होता है या हाफ लीटर का होता है तो दिस इज योर एक्जैक्टली हाफ लीटर सो दिस वे यू हैव टू मैच और ये आपको नोटबुक में भी वन टाइम करना है यू कैन ड्रॉ दिस ये इजीली ड्रॉ भी हो सकता है इसलिए आप ड्रॉ करके नोटबुक में इसको वन टाइम लिखेंगे भी नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन नाव हियर यू कैन सी हु चक होल्ड्स मोर वॉट इज नाइना एंड जीतू डूइंग हियर यू कैन सी टू चिल्ड्रन आर देयर दिस इज नैना एंड दिस इज जीतू नाउ यू कैन सी द द्लास ऑफ द जीतू एंड द साइज ऑफ द चक ऑफ जीतू यहाँ पर आप दोनों के ग्लास और चक देखिए और यहाँ पर देखिए ग्लास भी छोटा है और जग भी छोटा है थोड़ा सा जीतू का नैना का जीतू के कंपैरिजन में सो इफ नैना पोर्स वन ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस अगर नैना ने यहाँ पर एक ग्लास जग भरा है तो उसको यहाँ पर कैसा लिखता है इतना पानी एक ग्लास पानी ये है इसके अंदर डाला तो जग इतना फिल हो जाता है तो आप सोचिए उसको कितने ग्लास एक सेकेंड लेवल एंड देन थर्ड लेवल तो उसको कितने ग्लास पानी डालना पड़ेगा कि ये जग फुल हो जाए नैना थिंग्स शी विल हैव हाँ टू तो पोर अराउंड थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर

तो जीतू को कितने जग पानी फो पोर करना पड़ेगा जीतू को एटलीस्ट फोर जग क्योंकि आप जीतू के जग का साइज देखिए वो थोड़ा जो है नैना के जग के साइज़ से बड़ा है तो जीतू को एटलीस्ट फोर ग्लासेस ऑफ वाटर ही हैज़ टू पोर होल्ड्स मोर वाटर इट इज़ जीतू जक दैट होल्ड्स मोर वाटर हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर

had to fill their pots each with water both pots were equally big and heavy now you can see here this is nasim and this is abdul they both want to fill this pot the pots are of same size both are big and heavy and the size is equal they have the equal size pots so they want, went to the tap again and again and filled their own bottles and poured water into the Pots. So what did they do? Because the pots were heavy, so instead of taking the whole pot, they took one bottle and they filled the water from the tap and then they poured that water in the pot to fill this pot. So many times they had to come and fill the water and then pour the water in the pot to fill it. Now, between, sorry, Nasim had to fill her bottle fifteen times. How many times Nasim filled the bottle? Fifteen times to fill this pot. So fifteen times she had to. सॉरी फ्रॉम दट अब्दुल हैड टू फील इन द बॉटल ओनली एट टाइम्स मतलब कि अब्दुल को एट टाइम्स फिल करके उसने यह घड़ा भर लिया और नसीम ने सिक्सटीन टाइम्स फिल करके ये घड़ा भरा वाई वॉज वाई डिड नसीम है मोर टाइम्स दैन मतलब नसीम को अब्दुल से ज्यादा क्यों जाना पड़ा बिकॉज नसीम्स बॉटल वॉज अ स्मॉलर अप्रोक्सीमेटली हाफ द साइज ऑफ अब्दुल अब्दुल की बॉटल की जो है नसीम की बॉटल हाफ साइज़ की थी इसलिए नसीम को ज्यादा बार जाना पड़ा नसीम्स बॉटल कैन होल्ड हाफ लीटर ऑफ हाफ एज मच एज वाटर अब्दुल्स बॉटल कैन होल्ड मतलब नसीम की बॉटल में कितना पानी आएगा अब्दुल की बॉटल से हाफ ही पानी आएगा इसलिए उसको डबल बार जाके भरना पड़ेगा ना हाउ मेनी ग्लासेस नाव यू कैन सी हेयर टू पॉट्स हेयर एंड वन ग्लासेज कीज पॉट ए एंड दिस इज पॉट बी स्पॉट बी होल्ड्स इलेवन ग्लास फुल्स ऑफ वाटर पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी you can see by observation that pot a is bigger than pot b now this pot b can uh, have 11 glassfuls of water this is the glass 11 glass these glasses of water has been poured in pot b to completely fulfill it fill it now this pot a is twice एज द साइज एज पॉट बी मतलब पॉट ए जो है पॉट बी से डबल साइज का है और उससे डबल पानी इसके अंदर आता है तो अगर बी के लिए अगर इलेवन ग्लासेस चाहिए तो ए पॉट को भरने के लिए कितने ग्लासेज ऑफ वाटर वी नीड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए पॉट ए को भरने के लिए कितने क्लासेस चाहिए जब अगर इलेवन इसमें चाहिए तो इसके डबल चाहिए मतलब इलेवन प्लस इलेवन दैट इज ट्वेंटी टू क्लासेस ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल पॉट ए पॉट ए को भरने के लिए ट्वेंटी टू क्लासेस की पानी की जरूरत पड़ेगी इलेवन एंड वन मोर टाइम इलेवन दैट इज ट्वेंटी टू वी मूव टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन नाव हियर पॉट होल्स फॉलिंग फिलिंग पॉट होल्स पॉट होल्स मतलब कि जो गड्ढे पड़ जाते हैं रोड के अंदर तो उनको भरने के लिए दैट डोज आर कॉल्ड एज द पॉट होल्स और उन पॉट होल्स को भरने के लिए जो है जो सामान चाहिए उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स हैं नाव दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा देर आर सम पॉर्ट होल्स इन द रोड Between the before the rains come, children want to fill the potholes uh, with pebbles. They bring pebbles in mugs of the same size. Now the children want to fill these potholes before the rain comes because during the rainy seasons, these potholes will fill, the water will get accumulated in that, and as the road is being used, the potholes will become bigger and bigger. सो द चिल्ड्रेन वॉन्ट टू फिल देम विद द पेबल्स मतलब छोटे छोटे जो काले पत्थर आते हैं उससे जो है बच्चे ये गड्ढे भरना चाहते हैं और सब एक ही साइज के मग से जो है पेबल्स लेकर आते हैं तो तीन पॉट होल्स हैं यहाँ पर वन टू तो एंड थ्री पॉट होल्स आते हैं यू कैन सी वन टू एंड थ्री तीन बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर अब पॉट होल ए गेट्स फील्ड विथ नाइन मार्क्स ऑफ पेबल्स मतलब पॉर्ट ए के अंदर को फिल करने के लिए कितने पेबल्स चाहिए नाइन मार्क्स पेबल चाहिए पॉर्ट बी गेट्स फिल्ड विथ एटीन मार्क्स ऑफ पेबल्स एंड पॉर्ट सी गेट्स फिल्ड विथ ट्वेल्व मार्क्स ऑफ पेबल्स मतलब नाइन एटीन और ट्वेल्व इस तरीके से ए बी एंड सी मतलब की सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है एटीन मक्स वाला दैट इज योर पॉट होल बी वो जो है सबसे बड़ा गड्ढा है उसके बाद सी जो है वो ट्वेल्व वाला है और ए जो है वो नाइन पेबल्स वाला है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये देखिए छोटा दिखता है वो ए है बड़ा एकदम दिखता है वो बी है और थोड़ा बी से थोड़ा सा छोटा दिखता है दैट इज योर पॉट होल सी सो ए बी एंड सी दीज आर पॉट होल्स तो इस तरीके से उन्होंने गड्ढे भरे ए को नाइन मार्क्स ऑफ पेबल्स से बी को 18 मार्क्स ऑफ पेबल्स से और सी को 12 मार्क्स ऑफ पेबल्स से बच्चों ने गड्ढे भरे मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर तो हमने ए बी और सी मार्क किया हुआ है विच इज द बिगेस्ट पॉट होल बी इज द बिगेस्ट पॉट होल इफ जग्स आर यूज इफ जग्स आर यूज होल ए गेट्स फिल्ड विथ फाइव जग्स हाउ मेनी जग्स of pebbles are needed to fill B. Now you can see from the details that are given here of A, B and C. Now pot A को 9 marks चाहिए और pot B को 18 चाहिए. That means pot B is exactly the double or twice of pot A. जो pot whole B है, वो pot all A का double है क्योंकि इसमें 9 marks चाहिए थे. इसमें 18 चाहिए. 9 के double कितना हुआ? 9 का double 18 हुआ. मतलब अगर double पेबल्स चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि पॉट होल भी डबल साइज में है तो अगर फाइव चक्स एक पॉट होल ए को भरने के लिए फाइव चक्स चाहिए तो बी को भरने के लिए कितने चाहिए फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू टेन और फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन चक्स आर नीडेड टू फिल पॉट होल बी बिकॉज इट इज डबल द साइज ऑफ पॉट होल ए सो डियर चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन पार्ट इन द textbook i hope you have understood the liters and milliliters the capacity and that is the measurement of the liquid the unit of measurement of liquid which is liter and milliliter mainly which is used as liter and milliliter liter is the a unit and milliliter is the smallest unit i hope you all have understood now we move on to the workbook part